नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। यूपी के बलिया जनपद के टाउन हॉल बापू भवन में सदर विधायक क्षेत्र की सपा की बूथ कमेटी और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया। बलिया से सपा नेता और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने योगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, वो लोग दबिश के कारण करा रहे हैं फर्जी इनकाउंटर, फर्जी मतदाता बनाकर करना चाहते हैं चुनाव। गुजरात से पलायन कर रहे यूपी बिहार के लोगों का वापस आना दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करना चाहिए यूपी सरकार को गुजरात से, मुख्यमंत्री से ये शांत बैठे हैं। नीरज शेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मैं सीधे सीधे भाजपा पर आरोप लगाते हुए कह रहा हूँ, ये सरकार धांधली कर रही है। मतदाता सूची में कहा भाजपा की कोई मतदाता नहीं है, मैं जानता हूँ फर्जी मतदाता बनाकर ये लड़ाई लड़ने वाली है। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों को अपनी मतदाता सूची ठीक करनी है और नए लोगों को जोड़ना है। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि ये सरकार धांधली कर रही है, ये सरकार धांधली कर रही है इसमें मतदाता सूची में। आप सब लोगों को पता है कि कितने नाम कटे हैं जब कांग्रेस ने कंप्लेन किया मध्य प्रदेश में, तो ये बात हम लोग सारे अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि अपने मतदाता सूची जो लड़ाई के लिए चुनाव में जो लड़ाई लड़नी है हम लोगों को इस सरकार से और भाजपा की भाजपा जो ताकत दिखा रही है अपनी, कोई ताकत नहीं है ये मैं जानता हूँ, फर्जी मतदाता बनाकर ये लड़ाई अगली लड़ने वाली है। इसीलिए अखिलेश जी ने कहा है कि हम लोग को अपनी मतदाता सूची ठीक करनी है और जो नए मतदाता है जो 1 जनवरी 2019 में 18 साल के हो जाएंगे उनको मतदाता सूची से जोड़ना। सांसद महोदय, जिस तरह से गुजरात में बिहार के और यूपी के मजदूरों का पलायन किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, सही बात है। इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि ये गुजरात के प्रधानमंत्री जी उनको खुद हस्तक्षेप करके हर इस देश के हर एक नागरिक को स्वतंत्र है, किसी भी देश के कोने में जाकर अपना रोजगार कर सकता है, नौकरी कर सकता है। हम लोग तो कभी किसी को बाहर नहीं निकालते, हम लोग की इतनी आबादी, हम लोग ने कभी कहा है कि यहाँ से जाओ, यहाँ लोग नहीं बाहर के। लेकिन ऐसा काम गुजरात से हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री को जवाब मांगना चाहिए प्रधानमंत्री जी से और वहाँ के मुख्यमंत्री कि यूपी बिहार के जो यूपी के मुख्यमंत्री भी शांत हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी शांत हैं, हजारों लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, क्या कारण है? एक व्यक्ति की अगर गलती भी है, मैं मानता हूँ, तो उसके लिए सारे लोग दोषी हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि यहाँ की सरकार को वहाँ की सरकार से बात करना चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री को अपने लोगों को समझाना चाहिए था और पुलिस को सतर्क करना चाहिए था कि किसी का उत्पीड़न ना हो सके, किसी से मारपीट ना हो सके। बनारस में मोदी गो बाय का पोस्टर लग गया है, क्या समाजवादी पार्टी इसका विरोध, इस तरीके के जो गुजरात में लोगों को भगाया जा रहा है उसके लिए इस तरह की पोस्टरबाजी आंदोलन करें? मैं मानता हूँ कि किसी के सर हर व्यक्ति हर राजनीतिक, अगर मैं कल चाहूँ कि मैं कन्याकुमारी से चुनाव लड़ूँ तो मैं स्वतंत्र हूँ, ये संविधान मुझे पूरा अख्तियार देता है कि मैं जाके वहाँ से चुनाव लड़ सकूँ। तो हम लोग कह रहे हैं चुनाव कहीं से लड़ें प्रधानमंत्री, लेकिन दायित्व है कि एक इस देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा उनका दायित्व है और इसलिए यूपी और बिहार के जो लोग भगाए जा रहे हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, वो भी गुजरात में जहाँ के वो खुद हैं, और कोई वक्तव्य नहीं, किसी मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य हुआ। ये घटना जो फर्जी एनकाउंटर और जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो मैं हम लोग साफ साफ आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पे कि वो लोग द्वेष के कारण ही सारे काम कर रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ ये फर्जी मुकद में, हम मैं नहीं कह रहा, हमारे नेता कह रहा है, ये तो कानून व्यवस्था फर्जी एनकाउंटर से कभी ठीक नहीं होता। एनकाउंटर करके भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर सके हैं। 8% बढ़ोतरी हुई है महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ, जो रेप हो रहे हैं और जो उत्पीड़न होता है 8% बढ़ा है, और जो क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है 35% क्राइम बढ़ा है इस प्रदेश में। हम लोग नहीं कह रहे हैं, राज्य केंद्र सरकार कह रही है। तो मैं कह रहा हूँ ये फर्जी एनकाउंटर है, सारे जो पुलिस है अपने को पता नहीं क्या कर रही है, क्या उनको मिल गया है, ये रुकना चाहिए, कर्तव्य है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि ये फर्जी एनकाउंटर। ये सब बलिया से हमारे संवाददाता नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की खास रिपोर्ट।